सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे दो अनुभव प्राप्त हुए हैं। एक तो साधिका हैं, उन्होंने और वो इस समझाना चाह रही हैं कि भूत प्रेत होते हैं और ये बिल्कुल सच्चा अनुभव है, इसे मानना चाहिए कि भूत प्रेत होते ही हैं, क्योंकि आज के युग में इन सब चीज़ों को लोग नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं, हर चीज़ को तर्क के आधार पर देखते हैं, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि भूत प्रेत होते हैं। तो इस अनुभव के माध्यम से हम जानेंगे कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। दूसरा एक अनुभव जो है हनुमान जी का है, वो आपको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों अनुभवों को। सभी को मेरा नमस्कार है, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरा और मेरी माँ का नाम ना बताएं। मैं एक साधिका हूँ, आपको अपनी माँ से जुड़े एक बिल्कुल सच्ची भूतिया अनुभव को बताना चाहती हूँ। मेरी माँ का नाम जो मैं बता नहीं सकता, वो उन्होंने बताया है यहाँ पे। आगे माँ के जीवन की प्रत्यक्ष सत्य भूतिया घटना जो है इससे जुड़ी हुई है। तो मेरी माँ का बचपन उत्तराखंड में बीता। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय मेरी माँ भी एक छोटी बच्ची थी। उन दिनों रामलीला का एक मेला लगा करता था। वो उस मेले को देखकर जगत एक बच्चा जो था, माँ को लगा कि वह लघुशंका के लिए गया है। एक जगत का जगत नाम का एक बच्चा था, वो लघुशंका के लिए गया, ऐसा उन्हें समझ में आया। बाकी लोगों के साथ घर को वो वापिस आ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा उनसे पहले आगे की तरफ चल रहा है। माँ को लगा कि वह बच्चा जगत है और वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। माँ बच्चे से कुछ ना कुछ बोलती ही रही, परंतु उस बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अचानक कुछ समय बाद बच्चा गधेरा, एक जगह है छोटी सी नदी होती है, की तरफ चला गया और माँ को लगा कि वह लघुशंका के लिए गया है। तो माँ को उस शक्ति ने इस प्रकार का सम्मोहन सा कर दिया था, तभी वह उसके पीछे पीछे लगातार चलती चली जा रही थी। माँ को जगत समझ कर वो वहीं बैठ गई और फिर उनको पीछे से किसी ने आवाज़ मारी कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो माँ ने कहा कि वह जगत का इंतजार कर रही, पर लोगों ने कहा जगत तो यहाँ है। तब माँ बहुत छोटी थी। यह सुनकर उनके मन में एक डर बैठ गया। वह सोचने लगी कि इतनी देर से वह जिसके साथ थी आखिर वो कौन था। इतनी छोटी सी बच्ची के मन में भय लग रहा था। माँ घर आते ही बीमार रहने लगी, उन्हें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। इसी प्रकार समय बीतता गया और वो बहुत बीमार हो गई। वह हमेशा कहने के समय बहुत सारा खाना मांगती और उनका पेट भरता ही नहीं था, यानी उन्हें लगातार इतनी भूख लगी रहती थी और वो खाती ही चली जाती थी। बस माँ पर बुरी शक्ति ने इस प्रकार से अपना कब्जा कर लिया था। माँ का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। रात के समय माँ को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। माँ का शरीर बहुत पतला हो गया था। ऐसे करते करते 4 महीने लगभग बीत गए। एक दिन नवरात्रि को घर में पूजा हुई और हमारी मौसी की ने जो है उसमें व्रत रखा था। पूजा के दौरान उन्हें यह साफ साफ दिखाई दिया कि माँ पर किसी बुरी शक्ति का साया है। उसके कुछ दिन बाद एक ओझा जो इन सब चीज़ों को ठीक करते थे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने उस शक्ति को माँ के शरीर में हाजिर किया तो फिर वह मृत आत्मा ने बताया कि वह एक बच्चा है और उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह माँ के शरीर पर आ गया। उसने बहुत सारी खाने की वस्तुओं की मांग रखी। जब वह माँ के शरीर में गया तो माँ का शरीर एकदम हल्का हो गया और माँ के ने परिवार के वह सभी वस्तुएं दी। इस प्रकार हमारी माँ स्वस्थ हो गई। गुरुजी, मेरा इस अनुभव को बताने का पहला उद्देश्य यह है कि आजकल के कलयुगी लोग इन सब बातों को असत्य समझते हैं और समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यह एक सच्ची घटना है। उन सबको एक सत्य दर्शन कराने के लिए जो भूत प्रेत को या भ्रम को नहीं मानते और इन सब चीज़ों को सत्य मानना चाहिए। यह उन युवाओं को लिए है जो रात को शराब पीकर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करते हैं, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट वह करते हैं उसकी आत्मा वह बदला लेती है किसी भी प्रकार से। यह घटना एक सच्चा प्रमाण है। कृपया मेरा और मेरा नाम प्रकाशित ना करें। आपका चैनल बहुत ज्ञानवर्धक है। और भी जो अनुभव है वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। तो ये इस प्रकार से इनका एक अनुभव था कि इनकी माँ के साथ जो घटित हुआ
और चूंकि इनकी जिंदगी के साथ ये चीज घटित हुई है, इसलिए इन्होंने इस बात को बड़े ही सहजता से बताया है, वहाँ पे समझाया है कि किस प्रकार से कि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा जो है उनके आगे आगे चलती रही। और पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, ये बिल्कुल सच बात है, वहाँ पर नदी की गहराई बिल्कुल भी नहीं होती है और बहुत तेज पानी बहता है, क्योंकि ऐसे कई जगहों पर मैं भी रहा हूँ, तो ऐसे स्थानों पर ज़्यादातर आत्माएँ आपको दिख जाती हैं और ये स्थान बहुत ही ज़्यादा विचित्र होते हैं। आज भी अगर उन जगहों पर जाकर के आप कोई भी सिद्धि साधना प्रार्थना करेंगे तो आपको वहाँ पर सिद्धियों की प्राप्ति भी हो सकती है। इन्हीं नदियों के किनारे कई जगह पर जो है शमशान घाट भी बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, और वहाँ पे लाशें वगैरह भी जलाई जाती हैं। ये मैं भी वहाँ के बारे में, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ तो इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये जितनी भी पहाड़ी नदियाँ होती हैं, यहाँ पर अगर आप इस तरह की साधनाएँ भी करेंगे, तांत्रिक साधनाएँ, तो निश्चित रूप से वो फलदायी होती हैं, वहाँ पर सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं। और एकांत स्थान होने की वजह से यहाँ पर यक्षिणियाँ हैं, अप्सराएँ हैं, किन्नरियाँ हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी श्रेणियाँ हैं वो सभी आपको सिद्ध हो जाती हैं। तो ये था इनका अनुभव, आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार का एक और अनुभव जो है भेजा गया है, श्रीकांत उर्फ योगी जी हैं, ये देवबंद के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना भेजा है और इनके अनुभव को आप सुनते हैं कि आखिर इन्होंने अपने अनुभव में क्या कहा है। प्रणाम जी, आप इस अनुभव को पब्लिश कीजिए। मेरा नाम श्रीकांत उर्फ योगी है और मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा था और 10 वर्ष के आसपास के करीब मैं उम्र में था। मैं द रॉक जो WWF में आता था उसका बड़ा फैन था। ये WWF की फाइट के बारे में बात करें, जो रॉक जिनके पर बहुत सारी पिक्चरें भी बनी हुई हैं। कहते हैं, आगे लिखते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ तथा श्री हनुमान जी की पूजा किया करता था। उस वक्त मैं श्री हनुमान कवच का पाठ किया करता था, 4 समय ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे के समय, फिर सुबह, दोपहर, शाम। मन में बस यही इच्छा थी कि हनुमान जी दर्शन दे, और ये मनोती मांग रखी थी कि जब भी दर्शन दो तो बाइसेप, चेस्ट एवं पहलवान जैसी मस्त हो। मतलब इनका कहना है जैसे पहलवान लोग होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली उनके शरीर दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से इनको दर्शन दे। तो एक रात कह रहे थे, जब मैं सो रहा था तो ना जाने नींद आई और कि मैं जाग रहा था, मेरे को दिखाई दिया कि मैं उठकर मंदिर में गया, वहाँ हीटर के पास 2 गांव के आदमी मैले से कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। जो पुराने हीटर होते थे उन्हीं हीटरों की बात कर रहे हैं जिसमें वायल कॉइल वगैरह लगी होती है। तो उनमें से ही एक ने कांधे पर मैंने हाथ रखा, वो उठा और देखते ही देखते मंदिर की छत गायब हो गई और वह आदमी इतना विशाल हो गया कि मुझे उसका छोर ना दिखा, यानी वो इतना ऊंचाई पे चला गया कि उसकी एक तरफ से उसकी लंबाई नापना ही कठिन हो सकता था, और दिखाई दिया कि वह हनुमान जी के रूप में आ गया। आज भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब से मेरे को हनुमान जी से डर लगने लगा तथा मैंने पूजा भी छोड़ दी। ये बात मैंने अपने बड़े भाई को बताई, उसने कहा कि वह दूसरा आदमी भैरव होगा। फिर मैं बड़ा हो गया, एक दिन मैंने सोचा कि पीर की सिद्धि की जाए और मैं शाम को गुगल व लोबान जलाकर पूजा किया करता था। पूजा करते वक्त अजीब से एहसास भी मुझे हुआ करते थे, परंतु साधना तय समय से भी ज़्यादा हो गई पर मुझे पीर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर एक रात मेरे को सपना आया कि एक 7 फीट का आदमी कुर्ता पैजामा पहनकर रखा हुआ है, जिसने मेरे रूम के अंदर आने से वो डर रहा था। मैं था तो वहीं पर, तो मैं ही तुरंत ही मैंने देखा कि मेरा मुख वानर का और लंबे लंबे 2 नाखून थे, और मैं जैसे ही उस आदमी का इंतजार कर रहा था तो वो डर रहा था। उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि चाहे मैंने पूजा छोड़ दी हो परंतु शक्तियां हमेशा साथ में रहती हैं। जय श्री राम। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने पहले हनुमान जी की साधना की थी और साधना की वजह से ही जब इन्होंने दोबारा पीर की साधना की तो पीर जब आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें हनुमान जी नज़र आ रहे हैं सामने। हनुमान जी के नज़र आने की वजह से पीर उनके पास प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे और इनको दर्शन भी नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि हनुमान जी इनके साथ में पहले से ही खड़े थे। बचपन में की गई पूजाएं जितनी भी होती हैं वो निश्चित रूप से सिद्धि देने वाली होती हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं मैं कि अगर 16 साल से नीचे का कोई बालक या बालिका साधना करता है
तो उसकी सफलता निश्चित होती है। कारण उसका मन बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है और काम भाव उसमें होता ही नहीं है। और जहाँ भी जितनी भी उसकी शरीर के जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी तरह से सात्विक ही होता है ये मानना चाहिए, क्योंकि इसीलिए छोटे बच्चों को पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा सम्मिलित भी किया जाता है, कन्याओं का पूजन भी देश में किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि उस समय की अवस्था बहुत ही शुद्धात्मक होती है। इसलिए अगर कोई कम उम्र का बच्चा है या लड़की कोई भी अगर साधना करता है तो उसको निश्चित रूप से अनुभव होंगे और सिद्धि भी प्राप्त होगी, लेकिन क्योंकि उनमें आत्मबल की कमी होती है इसलिए वो सिद्धि के 100% निकट पहुंच जाने के बाद भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि भय के कारण या यूं कहिए कि उनको साध ना पाने के कारण वो उनको वो साधना उनके हाथ से चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ होती है। बड़ों को समझदारी तो बहुत सारी होती है, वो साध भी लेते हैं लेकिन उनका मन उतना पवित्र नहीं होता है कि देवता या कोई शक्ति उनको पूरी तरह से सिद्ध हो जाए, इसीलिए सब बनी बनाई बात भी अंततोगत्वा बिगड़ जाती है। तो ये दो थे अनुभव। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।